आज हम बनाएंगे छोले और पनीर। कुकर में बनाएंगे, अब बहुत जल्दी एक सीटी में ही तैयार हो जाएगा और खाने में टेस्टी और हेल्दी बनेगा। चलिए देखते हैं कि कैसे बनाना है, और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए बनाते हैं। यहाँ लिए हैं ओनियन, गार्लिक, उबले हुए छोले, इमली का पेस्ट, सब ग्राइंड कर लिए हैं और 2-3 सीटी लगा के ये छोले को उबाल लिए हैं। हल्दी नमक डाल के 3 सीटी तक उबाल के छोले रेडी है। अब कुकर में डालेंगे 2 चम्मच तेल, जीरा डालेंगे, लहसुन, ओनियन, तेज पत्ता, लौंग, इलायची सब डालेंगे और डालेंगे पेस्ट, गार्लिक, लहसुन सब। हल्दी डालेंगे, धनिया पाउडर, गरम मसाला, और थोड़ी टाइम भून लेंगे और डालेंगे चिल्ली पाउडर। उसको चला लेंगे, 2-3 मिनट तक भून लेंगे मसाले को। नमक डालेंगे, डालेंगे छोले मसाला और 2-3 मिनट तक भून लेंगे। जब तक तेल सेपरेट नहीं हो जाता तब तक भूनेंगे। तेल छोड़ने लगा है मसाले, उसमें डालेंगे उबले हुए छोले। छोले में भी थोड़ा नमक डाले हुए हैं। अब इसमें डालेंगे पनीर का बचा हुआ पानी, 1 कप डालेंगे। ये पानी डालने से बहुत हेल्दी और टेस्टी टेस्ट फ्लेवर बहुत अच्छा आता है सब्जी में, खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। और डालेंगे पनीर, और ढक के 1 सीटी लगा लेंगे। 1 सीटी लगा के 5-10 मिनट तक और पकाएंगे धीमी आंच पे। अभी देखिए एकदम अच्छा कलर और बन के तैयार हो गया है सब्जी, बहुत ही अच्छा कलर और अच्छा पका है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।